तो 3100 रुपये जो है धान खरीदी, बड़ी खबर इस वक्त की जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें इसमें तो 917 रुपये जो अंदर की राशि, जो बोनस का पैसा है, आखिरकार वो कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी लोग हैं जो सोच रहे होंगे, काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं कि आखिरकार हमें पूरा का पूरे जो है पैसे, पूरे के पूरे जो है राशि आखिरकार कब तक मिल पाएगा, किस तरह से जो है सभी चीज़ें जो है सही से हो पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आप सभी अपडेट जो है जानना चाहते हैं, आप सभी जानकारी पाना चाहते हैं, और किस दिन से आपके बैंक अकाउंट में पैसे की राशि जो है ट्रांसफ़र होगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसे हैं, पूरे के पूरे जो है राशि इस दिन से जो है आपके खातों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस वक्त के आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, इस वक्त के आप लोगों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी आप चीज़ें जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप में से हर किसी के लिए जो है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी आप सभी के लिए घोषणा पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो, जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें निकल के आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका वैल्यूबल होता है। 3100 रुपये जो आप लोगों से जो वादे किए गए थे, उन सभी वादों को जो है डेफिनेटली पूरे किए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है, सबसे बड़ी खबर जो है निकल के आ रहा है, आप सभी को मैं बेसिकली बता देना चाहता हूँ कि जितने भी चीज़ें हैं जो आप सभी के लिए, जो भी गारंटी हैं, जो भी वादे हैं, जो भी मैनिफेस्टो हैं, जो आप सभी के लिए किए गए हैं, उन सभी चीज़ों को अवश्य रूप से आप सभी के लिए निकाले जाएंगे, और एक के बाद एक आप सभी के लिए अपडेट जो है निकल कर आने वाले हैं, और ये सभी अपडेट आप में से हर एक के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आप में से सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा, यकीन मानिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस दिन से आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है राशि, पूरे के पूरे जो है पैसे आपके बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसके बाद आप लोगों से जितने भी वादे थे, आप लोगों से जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले गए थे, डेफिनेटली उन सभी घोषणा पत्रों को, डेफिनेटली आप सभी के लिए उन सभी वादों को जो है अवश्य रूप से पूरे किए जाएंगे। किसी भी चीज़ों को पूरा करने में, किसी भी मैनिफेस्टो को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो सभी चीज़ें आप सभी के लिए किए जाते हैं। तो 3100 रुपये जो धान खरीदी का जो वादा था, डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, डेफिनेटली उन सभी वादों को, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी मैनिफेस्टो को डेफिनेटली है कि अवश्य रूप से पूरे किए जाएंगे, और 917 रुपये अंतर की राशि, जो बोनस का राशि है, जो बोनस का पैसा है, वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि आप में से हर एक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप में से हर एक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है वैल्यूबल हो जाते हैं, और आपके बैंक अकाउंट में भी पैसों की राशि आएगी। इसके अलावा भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बेरोजगार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं होता, जिनके पास किसी भी तरह से कोई स्किल नहीं है, और वो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी को फेस कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप सभी को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से परेशानी फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों से जितने भी वादे किए गए थे, आप लोगों से जितने भी घोषणा पत्र किए गए थे, जो 1 लाख पोस्ट की अगर हम बात करें, तो बहुत जल्द आप सभी के लिए निकल कर आने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, डेफिनेटली आप सभी के लिए हर एक वादों को, डेफिनेटली आप सभी के सभी सपनों को जो है अवश्य रूप से पूरे किए जाएंगे। आप सभी के लिए जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, वो हर एक चीज़ आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, आप में से हर एक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल पोस्ट हो जाते हैं, और 1 लाख पोस्ट आप सभी के लिए जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से है कि देखने को मिल पाएगा। तो 3100 रुपये जो है धान खरीदी आपको देखने को मिलेगा, और आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर है, आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, आप सभी के लिए जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी चीज़ें आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, जितने भी अपडेट हो गए, जितने भी नोटिफिकेशन हो गए, वो हर एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है देखने को मिल पाता है। तो आप सभी के लिए ₹3100 जो है प्रति क्विंटल की दर से आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है राशि, पूरे के पूरे जो है पैसे जो है आपके बैंक खातों में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनको खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करते हैं ना, आप ये मत सोचो कि जो कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा और हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल पाएगा भी या फिर नहीं मिल पाएगा, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। देखो, आपका काम है सिर्फ काम करना, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, आपका काम है सिर्फ प्रिपरेशन करना। तो जो चीज़ आप कर सकते हो आप वो चीज़ करो, बाकी रिजल्ट आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपके अनुरूप होगा या फिर नहीं होगा, रिजल्ट आपके फेवर में होगा या फिर नहीं होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में कोई भी कुछ किसी भी तरह से नहीं सोचना है। बस आप अपना 100% दीजिए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी में और वापस से यकीन मानिए कि आपको 100% रिजल्ट, 200% रिजल्ट जो है डेफिनेटली मिलेगा जरूर। हमेशा जो है कोशिश करते रहना है। और काफ़ी लोग होते हैं जो तैयारी ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते, प्रिपरेशन ही नहीं करते, स्टडी ही नहीं करते और उसके बाद ये चीज़ें उन्हें लगने लगते हैं और बाद में ब्लेम दूसरे के ऊपर लगाते हैं कि अगर काश हमने इसके वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें होता है ना वो खुद के वजह से होता है, आपके वजह से होता है। अगर आप तैयारी करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली है कि आपको कामयाबी मिल पाएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे तो आपको फिर कहाँ से कामयाबी, कहाँ से सफलता, कहाँ से वो एक अच्छा खासा वो बेहतर रिजल्ट कहाँ से मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा ना। तो कोशिश ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है, तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए प्रिपरेशंस के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके काम करो, प्रिपरेशंस के ऊपर फोकस करो। जितना ज़्यादा तुम्हारा प्रिपरेशंस होगा, स्टडी होगा, कामयाबी भी उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आपको हमेशा जो है कामयाबी के बारे में सोचना है और उसके लिए काम करना है। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको सफलता मिल पाएगा, उतने ही ज़्यादा आपको एक अच्छा खासा एक बेहतर एक बेस्ट रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा और डेफिनेटली आपके सपने जो है अवश्य रूप से जो है पूरे हो पाएंगे। आपको किसी भी कामयाबी को पाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन आपको वो सभी चीज़ें मिलता जरूर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो से अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना और वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य रूप से बताना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद आपका।